ओके, एससीबी वन चैप्टर टू फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर फर्स्ट, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। इज द वेक्टर नेसेसरली चेंज्ड इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल? यस, बिकॉज इट्स डायरेक्शन विल चेंज। सी, डायरेक्शन इज चेंजिंग, बट एक्सेप्ट व्हेन यू टर्न इट बाय 2 pi radian angle, 1 turn or 2 turn, that is 4 pi, and so on. In that case it is not changing, but otherwise in general it will change because direction changes. Question number 2 dekhte, is it possible to add two vectors of unequal magnitude and get a zero? No, it is not possible because they will not be able to cancel each other even if we keep any angle. So no. Is it possible to add three vectors of equal magnitude and get zero? Yes, unko aise closed loop ban jayenge, hai na, 120 par turn karte jao, join karte jao, closed loop ban jayega, and there will not be any resultant left, zero aa jayega. All right, next question dekhte, third. Does the phrase direction of zero vector has some physical significance? Discuss in terms of velocity and फोर्स। सपोज हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी विल बी जीरो वेक्टर एंड डायरेक्शन विल बी, नेक्स्ट पॉसिबल डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड। सिमिलरली कार इज गोइंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, फोर्स वेक्टर इज जीरो वेक्टर एंड देन इफ एक्सलेशन इज प्रेस्ड, एक्सलेटर इज प्रेस्ड, देन द फोर्स वेक्टर विल बी इन पावर डायरेक्शन एंड brakes are applied, then it will be in backward direction. So some indications of the direction can be obtained if we have the initial information. Okay, next one is, can you add three unit vectors to get a unit vector? Yes, ek vector idhar liya, ek idhar liya, ye dono cancel ho jayenge, ek hi vector bachega, unit vector, so we'll get the unit vector. Does your answer change if two unit vectors are along the coordinate axis? तो यूनिट वेक्टर नो, हमने अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सेस ही लिए हैं ये, है ना, इट विल नॉट चेंज। ओके, अगर ऐसा बोला जाए इफ ओनली टू वेक्टर्स आर अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सेस, है ना, ओनली टू, इफ ऑल द थ्री वेक्टर्स आर अलॉन्ग द इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, तब हमें यूनिट वेक्टर नहीं मिलेगा। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Can we have physical quantities having the magnitude and direction which are not vectors? Yes, current is one of them. इसमें direction भी होती है और magnitude भी होता है, but ये vector नहीं है because vector loss है, उसको हम add नहीं कर सकते। All right, चलो next question. Which of the following two statement is more appropriate? है ना, तो two forces are added using the triangle rule because forces is the vector quantity. दूसरा statement, force is the vector quantity because two forces are added using the triangle rule. ठीक है, तो vector के पहले हम थोड़ा सा discuss करते हैं। Any quantity will be vector if it has magnitude, direction and it can be added by triangle law. तो if any physical quantity is added by triangle law, it will be vector. तो force is the vector quantity because they are added by the ट्राइंगल लॉ। तो ये कंडीशन है, वेक्टर कब होगा? जब हम ट्राइंगल लॉ से ऐड कर सकते हैं तब वेक्टर होगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ए में क्या बोल रहा है कि टू फोर्सेस आर एडेड यूजिंग द ट्राइंगल रूल बिकॉज फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये सजेस्ट कर रहा है दो इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे वेक्टर क्वांटिटीज को हम ट्राइंगल लॉ से ऐड करेंगे, स्केलर को नहीं, मतलब दे आर बोथ आर इंडिपेंडेंट, बट कंडीशन क्या है, अगर वेक्टर होना है तो उनको ट्रायंगल लॉ से अगर ऐड होते तब वेक्टर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, मोर एप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट वन इज, कैन यू ऐड टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस? आंसर इज नो, न्यूटन एंड मीटर को हम ऐड नहीं कर सकते, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट यूनिट्स, है ना।
मल्टीप्लाई, यस उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूटन और मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूटन मीटर बन जाएगी विच इज़ द यूनिट ऑफ टॉर्क, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते. नेक्स्ट वन इज कैन ए वेक्टर हैव जीरो कंपोनेंट अलॉन्ग द लाइन एंड स्टिल हैव नॉन जीरो मैग्नीट्यूड. सपोज ये दो न्यूटन फोर्स है, टू न्यूटन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, इसका कंपोनेंट जीरो होगा 90 डिग्री, बिकॉज एफ एक्स इज एफ कॉस थीटा, थीटा इज 90 डिग्री, तो जीरो. बट इसका खुद का मैग्नीट्यूड टू है. नेक्स्ट वन इज लेट ई वन एंड ए टू बी द एंगल्स मेड बाई वैक्टर ए एंड माइनस ए विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, शो दैट 10 E1 इज इक्वल टू 10 E2, दस गिविंग 10 E डजंट यूनिकली डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए. देखो ये E1 है और ये दूसरा नेगेटिव वेक्टर का E2 है, तो E2 यहाँ से है, तो E2 कितना होगा, E1 प्लस 90, ये E1 और ये 180, तो E1 प्लस 180, और 10 लिया दोनों तरफ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 E1 आ गया. तो ये E1 एंड E2 10 जो है एक ही दिखा रहा है, जबकि दो वेक्टर है ये, ए अलग है, ए माइनस E2 जो है माइनस नेगेटिव वेक्टर के लिए, बट दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यूनिकली नहीं डिटरमाइन कर सकते, ए को यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर रहा 10 ही है ना, एक ही एंगल जो है दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, या दो एंगल एक ही, दो एंगल जो हैं एक ही वेक्टर के लिए आ रहे हैं, विच इज़ नॉट यूनिक. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज़ द वेक्टर सम ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई एंड जे इज अ यूनिट वेक्टर. नो, 90 डिग्री पे है ये, इनका रूट टू आएगा, अंडर रूट ऑफ 1² + 1² रूट टू आएगा. इफ नो कैन यू मल्टीप्लाई दिस सम बाय द स्केलर नंबर टू गेट यूनिट वेक्टर. यस, इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा. लेट ए इज इक्वल टू 3i cap + 4j cap, राइट 4 vectors b सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी बट मैग्नीट्यूड इज इक्वल. तो इनके जो है साइन चेंज कर दो दोनों, या 1 + 1- कर दो, या फिर कोएफिशिएंट चेंज कर दो, है ना, और माइनस भी लगा दो, तो लाइक दिस, तो ऑल विल हैव द मैग्नीट्यूड 5 बट ऑल आर डिफरेंट वेक्टर्स. ऑलराइट, 12 देखते, कैन यू हैव ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी विद ए 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0. वाट इफ वन ऑफ द टू वैक्टर्स इज 0, तो ये इक्वल नहीं हो सकते बिकॉज ये वैक्टर क्वान्टिटी है, ये स्केलर है. नो, लेफ्ट हैंड साइड इज वैक्टर, राइट हैंड साइड इज स्केलर. अगर ये 0 भी हो जाए, 1, तभी भी लेफ्ट नो होगा, लेफ्ट साइड विल बी 0 वैक्टर और राइट साइड जो है 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड स्टिल रिमेन्स द वैक्टर. तो ठीक है, तो नो, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, कैन यू से ए इज इक्वल टू बी. यस, दोनों इक्वल होंगे तो थीटा 0 हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है. अनइक्वल है, सेम डायरेक्शन है, तभी भी थीटा 0, या अपोजिट भी कर सकते, 180 पर भी 0 आ जाएगा. अनइक्वल है बट क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है. इफ ए इज दिस, बी इज दिस, डू वी हैव दिस. यस, यहाँ पर जो है के की वैल्यू, बी इज के टाइम्स ए, वेयर के इज -1.5 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा ये वेक्टर. बट डिवाइड नहीं कर सकते, इसको यहाँ नहीं भेज सकते, बिकॉज टू वेक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बिकॉज दे हैव द डायरेक्शंस को डिवाइड नहीं कर सकते. ऑलराइट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वन पर आते हैं. वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ रोटेटेड में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाइड में चेंज हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर भी चेंज हो जाएगा. इफ़ इट इज़ स्लिड पैरेलल टू इटसेल्फ, तब चेंज नहीं होगा. सपोज यहाँ पर है, इसको हमने स्लिड कर दिया, स्लाइड कर दिया, इधर ले आए, पैरेलल टू इटसेल्फ, इट विल नॉट चेंज.
डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम रहने वाले। टू, विच आर द सेट्स गिवन बिलो मे रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री वैक्टर्स एडिंग टू ज़ीरो। कंडीशन ये होती है कि तीन जो मैग्नीट्यूड है ना, रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है ए प्लस बी के मॉड के बराबर या उससे कम और ग्रेटर देन ए माइनस बी या उसके इक्वल। सपोज थ्री एंड फोर है दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड, उनको ऐड कर लो सेवन, तो सेवन रिजल्टेंट सेवन या उससे कम, उनका डिफरेंस निकाल लो फोर माइनस थ्री तो वन, उसके डिफरेंस से ज़्यादा या उसके इक्वल, उनके सम से कम और उसके इक्वल है ना। तो इसमें कोई भी दो वेक्टर देखो तो उनके इस रेंज से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनके डिफरेंस के रेंज से एंड डिफरेंस से और एडिशन के उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। टू एंड फोर का एडिशन क्या हो गया सिक्स, तो ये सिक्स से बाहर है और डिफरेंस क्या है टू है ना, तो उस रेंज में नहीं है। फोर एंड एट ट्वेल्व हो गया, ये बाहर हो गया सिक्सटीन। वन एंड टू, वन एंड टू थ्री, उनका डिफरेंस टू एंड वन वन, वन एंड थ्री के बीच में आना चाहिए, तो वन है यस, तो सी इज़ करेक्ट। इसमें देखते जीरो पॉइंट फाइव प्लस वन तो वन पॉइंट फाइव, टू उसके बाहर निकल गया, तो एंगल एडजस्ट करके उसके अंदर आ सकता है, तो उनको एंगल एडजस्ट करके हम ऐसा सेट कर सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो हो जाए। ये भी चेक कर सकते, लास्ट टू क्वांटिटी चेक कर लो, एट एंड सिक्सटीन का डिफरेंस कितना है, इट इज़ एट, तो ये लेकिन फोर है, कम से कम एट या उससे ज़्यादा होना चाहिए, उसके लेसर वैल्यू से डिफरेंस से बाहर निकल गया ये, तो वी कैनॉट मेक इट फोर्स जीरो। किसी भी एंगल पे सेट करो तीनों वेक्टर को, बस इसमें हो सकता है। इसमें क्या है देखो, वन एंड टू, वन इधर है ओके, वन इधर ले लो टू इधर, तो इनका डिफरेंस वन आ गया, और ये वाले वन को हम इधर लगा दें तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं, वन एंड वन को इस तरफ लगाओ, टू को इस तरफ लगाओ, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा पार्टिकल के ऊपर। एंगल पे भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थ्री, द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए एंड बीटा विद बी, ये अल्फा ए के साथ बी के साथ बीटा, तो टेन अल्फा कितना होता है, ये होता है, तो अल्फा के लिए चेक करते हैं, अल्फा लेस देन बीटा, ये कुछ बोल नहीं सकते, इन्फॉर्मेशन और चाहिए। अल्फा लेस देन बीटा इफ ए इज लेस, एज अगर कम होता है ना तो अल्फा बढ़ता है एक्चुअली डिनोमिनेटर में, इफ दिस डिक्रीजेज अल्फा इंक्रीजेज, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये देखते हैं, अल्फा लेस देन बीटा, ये एंगल कम होगा जब ए बढ़ेगा, ए गोज अप अल्फा कम्स डाउन, ठीक है, तो ये सही है। अल्फा लेस इफ इक्वल, इक्वल में तो दोनों इक्वल आ जाते हैं, बाइसेक्टिंग होता है ऐसा, ये इक्वल आ जाते हैं। जैसे जैसे को अल्फा बढ़ेगा ना तो एंगल छोटे, सपोज अल्फा हमने सॉरी ए इतना बढ़ा दिया, बी ऐसा रखा, तो पैरेललोग्राम से ए का एंगल देखो छोटा हो जाएगा, जितना ए बढ़ेगा अल्फा छोटा होता जाएगा, सॉरी ए बढ़ाने से अल्फा छोटा होता जाएगा। द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, नन ऑफ दिस। तो वैक्टर तो वैक्टर क्वान्टिटी का मैग्नीट्यूड तो स्केलर क्वान्टिटी बोथ कैन नॉट बी कम्पेयर, इसीलिए डी आंसर है, वैक्टर को स्केलर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे, वैक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड बी पॉइंट्स टूअर्ड्स नॉर्थ, द वैक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, फिंगर्स को ऊपर रखो फिर कल करो बी नॉर्थ की तरफ, थंब जो है वेस्ट में आएगा, राइट हैंड रूल बोलते हैं इसको ना, राइट हैंड रूल। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज स्टेटेड एज 2.12 इट्स एरिया, जस्ट मिनट, इट्स एरिया जो है, इट्स एरिया शुड बी रिटन एज, पहला ऑप्शन दिया है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 14.1, तीसरा 14.11, चौथा 14.1124,
तो जो रेडियस दिया है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तीन, तो इसमें भी तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, बी आंसर होगा। बिकॉज रूल क्या बोलता है, प्रोडक्ट में एंड प्रोडक्ट में एंड डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर उतने होने चाहिए जितने लीस्ट पॉसिबल सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, लीस्ट का मतलब क्या है, जिनको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो उन क्वांटिटीज में सबसे कम जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतना होना चाहिए। तो इसमें तो एक ही है बस, जस्ट दिस इज द ओनली वन, है ना, तो तीन ही है, ओके तीन ही है, तो तीन वाला सेलेक्ट करेंगे, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड सम एंड डिफरेंस के लिए क्या बोलते हैं, सम एंड डिफरेंस में क्या होगा कि लिस्ट डेसिमल प्लेसेस रखे जाते हैं, वो रूल है एनसीईआरटी बुक फॉलो करो चैप्टर नंबर टू, उसमें लिस्ट डेसिमल प्लेसेस रिटेन किए जाते हैं सम एंड डिफरेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ देखते हैं ऑब्जेक्टिव टू के, अ सिचुएशन में बी डिस्क्राइब बाई यूजिंग द डिफरेंट सेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेसेस हैविंग द डिफरेंट ओरिएंटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस। तो एक्सेस पे नहीं डिपेंड करते कौन कौन सी क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती, है ना, जैसे मैं बोलूँ 5 जूल है वर्क कोई, तो एक्सेस पे थोड़ी डिपेंड करेगी या ओरिजिन पे थोड़ी डिपेंड करेगी। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो है वो डिपेंड करता है एक्सेस पे, जैसे ये वेक्टर है इसका कंपोनेंट एक्स एक्सेस की तरफ है तो एक्सेस हमें बताना पड़ता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे नॉट पूछा है, वेक्टर डिपेंड नहीं करता, वेक्टर को यहाँ ड्रा कर लो, यहाँ ड्रा कर लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रा करो, सेकंड में ड्रा करो, थर्ड में, फोर्थ में, है ना, डिपेंड नहीं करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होगा, वो डिपेंड नहीं करेगा, तो तीन डिपेंड नहीं करते, ये डिपेंड करते हैं बस, बी वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, तो सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, है ना, तो इसको हम देखते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। सपोज हमने ए ये लिया और बी इधर लिया, ठीक है, ए इधर लिया और बी इधर लिया, सी ऐसे आ गया, एंगल हमने मोर देन 90 डिग्री एंगल ले लिया, ठीक है, तो सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, नहीं, यहाँ पे देखो छोटा दिख रहा है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव सी लेस देन ए लेस देन बी, यस ये छोटा हो सकता है, हम प्रूव भी कर सकते हैं इसको। एंड सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी के इक्वल कब होगा, जब थीटा ज़ीरो हो जाए तब इक्वल होता है, एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। सी इज़ नेवर इक्वल टू, है ना, ये भी नहीं इक्वल हो सकता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, है ना, केवल ये वाला पॉसिबल है, बी वाला, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल सी कैन बी लेस देन ए आल्सो लेस देन बी आल्सो, है ना, सपोज ए ऐसे लिया बी ऐसे लिया इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो सी तो ज़ीरो ही आ जाएगा, ए इधर है बी इधर, सी जीरो हो जाएगा, तो लेस देन ए हो जाएगा, लेस देन बी भी हो जाएगा, तो दिस इज़ पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज 120 डिग्री एंड इट्स रिजल्टेंट इज सी, तो लेट विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो ए को हमने थोड़ी देर के लिए 2 ले लिया, बी को भी 2 ले लिया, तो सी भी 2 आता है 120 पे, उसका जो रिजल्टेंट है वो भी उतने इक्वल आता है, तो अभी इससे हम चेक कर सकते हैं, सी मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी के तो जीरो है, थी तो बड़ा आ रहा है उससे, सी मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी से सी मस्ट बी लेस, नहीं, ए माइनस बी ज़ीरो है तो 2 आ रहा है, सी मस्ट बी ग्रेटर, यस ये सी बड़ा आ रहा है, ए माइनस बी इज़ जीरो, सी इज़ बिगर, सी मे बी इक्वल टू, नो इक्वल टू भी नहीं आएगा, बिकॉज ये जो डिफरेंस में डिफरेंस है और एंगल की कंडीशन दे दी है ना, है ना, और दूसरी बात क्या है, ये मैग्नीट्यूड्स हैं, देखो ये जो हैं ए एंड बी एंड सी के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, ठीक है, तो सी जो है थर्ड ऑप्शन, सी सी विल बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर। अगर ये ऐसा इसमें ये पॉइंट मैं पूछता हूँ तुमसे, ए माइनस बी का वेक्टर लगा के लिखा तो क्या होगा, ये इसको क्या पढ़ेंगे हम, डिफरेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इट इज़ डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ उनका मैग्नीट्यूड है ना, जैसे हमने उनका मैग्नीट्यूड ले लिया 2 माइनस 2 और वो, तो उनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है ये, और ये क्या है, उनका जो वेक्टर डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड है,
तो ये वाले में पॉसिबल है, अगर ये सिचुएशन है, थिंक अबाउट दिस, ये मैंने जो लिखा ना लास्ट में, ये जो है सी, इसमें सी छोटा होता है, कैसे, सपोज हमने, ओके वील कम बैक टू दिस पॉइंट, इसमें बैटरी जो है थोड़ी सी डाउन हो रही है, टाइम बचा तो मैं इस पर वापस आता हूँ थर्ड पे, पहले ये कंप्लीट कर लूँ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो है ना ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो देखो फोर्थ जो क्वेश्चन है, एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स, है ना, तो ये एक वेक्टर ले लिया और ये भी, उनका रिजल्टेंट सी आ गया, उसका एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स, तो ये तो एक्स डायरेक्शन में, इसका भी एक्स कंपोनेंट ले लो, तो उनके सम के बराबर आ जाएगा, ए तो एक्स में है, बी का भी एक्स इधर आ जाएगा, तो उनको ऐड कर दो तो ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट के बराबर आ जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ तो इसका इसका मैग्नीट्यूड ले लो ए और इसका मैग्नीट्यूड ले लो बी, तो ये इनके मैग्नीट्यूड का एडिशन इतना आएगा, बट एक्स कंपोनेंट तो इतना ही है, तो ये बड़ा हो गया है ना, तो ये छोटा हो जाएगा इसका, तो मे बी स्मॉलर देन सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड के सम कर लिए उनके सम से, उन मैग्नीट्यूड का ऐड कर लिया उनके सम से, ये छोटा होगा एक्स कंपोनेंट, मे बी है, मे बी ग्रेटर, ग्रेटर नहीं होगा, ये ग्रेटर नहीं हो सकता, इनके जो मैग्नीट्यूड हैं वो ऐड करेंगे, तो जैसे ये सपोज ए थ्री है और बी फोर है, तो सेवन आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट सेवन से कम आएगा, क्योंकि डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं ना यहाँ पे हम, मे बी इक्वल टू सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, हाँ इक्वल जो आ सकता है, सपोज दोनों वेक्टर जो हैं एक ही डायरेक्शन में, तो उनका जो सम है, उनका जो रिजल्ट है एक्स डायरेक्शन में ही है, वो भी इक्वल आ जाएगा, दिस इज पॉसिबल। लास्ट वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी मे बी, तो वेक्टर प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं ए क्रॉस बी, उसका मैग्नीट्यूड, तो ये ए बी साइन थीटा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड, साइन थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, तो सपोज ए थ्री है बी फोर है, तो साइन, तो क्या होगा, पहला पढ़ते ग्रेटर देन ए बी, नहीं साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो वन आ सकती, तो इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी ट्वेल्व ही आ सकता मैक्सिमम वैल्यू, तो ग्रेटर तो नहीं आएगा, इक्वल टू ए बी, यस ए इंटू बी ट्वेल्व आ रहा है, अगर साइन की वैल्यू वन हो जाए तो ये भी ट्वेल्व आ जाएगा, लेस देन ए बी ए इंटू बी, ये तो ट्वेल्व है, और ये अगर साइन थीटा की वैल्यू से थर्टी हो गई तो ये वन बाई टू हो जाएगा, तो ट्वेल्व इंटू वन बाई टू सिक्स आ जाएगा, है ना, इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, अगर साइन दोनों दोनों एक ही डायरेक्शन में वेक्टर्स, साइन थीटा ज़ीरो हो जाएगा तो ए क्रॉस बी विल बी ज़ीरो, तो ये सही है, बी सी डी, बी सी डी ग्रेटर नहीं आएगा, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी ओनली नॉट ग्रेटर, साइन थीटा की वैल्यू वन ही हो सकती मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। इस पे आते देखो, अगर ऐसे वेक्टर के फॉर्म में लिया देखो तो क्या होगा, वेक्टर ए इधर था, वेक्टर बी इधर था, है ना, और माइनस बी किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, सपोज हमने इसको हमने टू लिया हुआ, पहले ये टू लिया, ये 60 हो जाएगा, पहले अगर 120 है पलटने से वो 180 माइनस 120 60 आ जाएगा, तो इन दोनों का वेक्टर सम कितना होगा, मैग्नीट्यूड टू रूट टू, टू रूट थ्री हो जाएगा, 60 डिग्री एंगल पे टू रूट थ्री आएगा इसका, और सी कितना है, सी जो है पहले जो आया था सी टू ही आया था, तो सी टू आया था, और जबकि पलटने से उसके मैग्नीट्यूड लेने से वेक्टर का रूट टू, तो अभी ये सी छोटा हो जाएगा, बट यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या है, इन्होंने क्या लिया है, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस लिया है, पहले से ही मैग्नीट्यूड किया हुआ है, देखो यहाँ पे एरो नहीं लगाया ऊपर, सी में देखो ध्यान से, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि नहीं सी छोटा होना चाहिए, तो ऐसे लिखा होता तब सी छोटा होता, एरो लगाया होता, तो एरो नहीं लगा है इसलिए सी ऑप्शन, उनका डायरेक्ट डिफरेंस है, डायरेक्ट डिफरेंस मतलब ये टू है ये टू है, तो डायरेक्ट डिफरेंस जीरो आ रहा है, और सी जो है इसका वेक्टर लॉस से ऐड करने से टू ही आएगा, 120 पे अगर ये टू है तो ये भी टू आता है, इक्वल आता है, तो दैट इज़ व्हाट, इसमें कन्फ्यूजन होता है, वेक्टर ऊपर नहीं लगे, दैट्स ऑल, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।